सबसे जो लो प्राइस में आपके पास पिस्टल स्टार्ट होती है ना वो दिखा दो मेरे को सबसे पहले। प्राइस में यही आएगी, सबसे लो प्राइस में यही आएगी आपके पास। तो गाइस फाइनली मेरठ का अपन लोगों ने जो है पहला ब्रेक ले लिया है और अभी जो हम आए हुए हैं जैन शिकंजी पे, पीछे की साइड है यहाँ पे कुछ भाई शिकंजी वगैरह ट्राई करेंगे और आपको भी दिखाऊंगा। और अभी आप मैं जा रहा हूँ भाई गन्स वगैरह एक्सप्लोर करने और मे भी शायद मैं ना अपने लिए एक आधा गन्स वगैरह ले लूँ, जो एयर गन्स वगैरह होती है वो मे भी मैं अपने लिए एक आधा ले लूँ। तो अभी जो है अपना भाई ब्रेक हो चुका है तो फटाफट से चलेंगे मेरठ और शिकंजी वगैरह पियेंगे। तो सो गाइस अभी है ना मैं एयर गन शॉप के अंदर आ चुका हूँ और मेरे पीछे देख लो पूरी जो एयर गन लगी हुई है। और ये मानव भैया, और भैया कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के ब्लॉग में कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, फिर कौन सी गन्स वगैरह दिखाने वाले? सारी इम्पोर्टेड दिखाओगे? तो फिर अभी स्टार्ट करते फटाफट से और दिखाता हूँ आपको कौन सी नई गन आई हुई है अभी आपके पास, है ना? तो दिखाता हूँ आपको फटाफट से, इंजॉय करना, काफी बढ़िया लगेगा देखने में भी। तो सो गाइस अभी है ना भैया ने भाई सारी गन्स निकाल रखी है और टेबल पे देख लो एक बार, भैया ने चार गन्स निकाली है और इनके बारे में बताएंगे भाई कौन सी गन है, कहाँ से आई है, क्या वर्क है, कैसे करती है, सब चीज बताएंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो भैया सबसे पहले कौन सी गन दिखा रहे हो आप मेरे को? आप ये देखो डाइना का 260 मॉडल है, डाइना का 260 मॉडल है, अभी ये बिल्कुल नया आया और रेंज भी काफी नॉर्मल है इसकी, इंपोर्टेड गन्स है। ओके भैया, है ना? तो इसको लोड करना दिखाता हूं, ये मेड इन जर्मनी, यहां देखिए लिखा हुआ मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है, डाइना जर्मनी, ये देख लो यहां पे लिखा हुआ भी आया है इसमें, है ना? और इसमें लॉकिंग सिस्टम इधर से दिया हुआ है, ये देखो लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें। तो एक बार इसे लोड करके दिखाना भैया कैसे करते हैं। ओके भैया, लोड हो जाती है और यहाँ से इसका पैलेट डलेगा 0.177 कैलिबर का। ओके भैया, और ये ऐसे लोड हो गई इसको, ये तो काफी हल्का सा लग रहा है, पिछली बार तो ये थोड़ा इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड है। ओके भैया, टाइटनेस रहता है। ओके भैया, इस वाले में काफी स्मूथली है जी। अब हम इसको ना आगे कर देंगे इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से फायर के लिए तैयार है, फायर के लिए रेडी है जी। हम आपको इसमें अभी पैलेट वगैरह कुछ नहीं डाला, मैं आपको नीचे फायर करके दिखा रहा हूं, इसलिए देखिए एक पावर भी काफी है। और वजन कितना होगा भैया इसका? वजन 3 किलो के आसपास रहेगा। ओके भैया, प्रैक्टिस करोगे तो आप काफी अच्छी चीज है। और स्कोप वगैरह सब लग जाते हैं ना इसमें? ओके भैया, ये देखो सब चीज दे रखी है और स्कोप वगैरह सब चीज लग जाएगा। तो गाइस अभी है ना आपको दूसरी गन दिखाते हैं और अभी जो है ये सारी स्नाइपर्स, भैया ये सारी स्नाइपर्स ही कहते कैटेगरी में आ जाती है ना, शूटिंग पर्पस के लिए, शूटिंग पर्पस के काम पे आ जाती है और एक तरीके से ये सारी स्नाइपर्स में ही आ जाती है। तो अभी आपको ना दूसरी गन्स दिखाते हैं इनके पास, भैया के पास आपके पास पिस्टल्स वगैरह भी है सब चीज? हाँ, पिस्टल वगैरह। ओके भैया, अभी मैं अभी आपको ना थोड़ा इंडियन में और थोड़ी अच्छी क्वालिटी, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा लो बजट में। ओके भैया, तो अभी आपको वो चीज दिखाते हैं। तो भैया ने ना अभी तीनों गन्स निकाल दिया और भैया इनका ना नाम वगैरह क्या है इन गन्स? ये हीमन की स्टैन गन है। अच्छा, हीमन की स्टैन गन है। और ये इनकी क्या प्राइसिंग रहती है आपके पास? ये 6000 की होती है, इसके साथ आपको 100 पैलेट्स और एक बॉक्स ऑनकॉक का। ओके भैया, और इसमें मतलब कितने कैलिबर्स की बुलेट्स डलती है? 0.177 की इनमें बुलेट डलती है। एक बार भैया इन्हें रीलोड करके दिखा दो मेरे को, ये बहुत ही इजी है, देखो इस तरीके से आपको हाथ मारना है और बहुत ही इजीली ऐसे लोड हो जाता है, ऐसे लोड हो जाता है। और इनकी खाली की आवाज भी काफी अच्छी, देखिए और इसको ऐसे ऊपर जी फायर करते हैं। अब एक बार वाइब्रेशन तो काफी सही है इसकी और आवाज भी काफी बढ़िया लगी। और क्या प्राइसिंग रहती है इनकी? आपके पास 6000 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। ओके भैया, तो ये देखो आप है ना भैया ने दूसरी गन्स निकाल दिया और भैया इनका है ना एक बार स्टार्टिंग से मेरे को बता दो, चारों एक ही कंपनी की है? हाँ, ये चारों एक ही कंपनी की है। ओके भैया, और सबसे बड़ी बात है इन सब में लॉकिंग सिस्टम, सब में लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। ओके भैया, और इसका मेरे को कुछ बताओ, इसका आप मेरे को बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ये NX200 है, ये देखो देखो NX200 एथिना। ओके भैया, क्या फीचर है ये जो है ना, रस्ट फ्री इन्होंने बॉडी दे रखी है, इसकी रस्ट फ्री बॉडी दे रखी है इसमें। ओके भैया, कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी जंग नहीं लगेगा। ओके भैया, इसका थोड़ा कलर भी ऐसा दे रखा है मिलिट्री कैम्बो कलर में, तो ये इसमें बहुत अच्छा फीचर्स है, फीचर मतलब कह सकते हैं एक साइड से, है ना? लुकिंग वाइज थोड़ा अलग लगेगा ना, लुकिंग वाइज थोड़ा अलग लगेगा। ओके भैया, और इनकी प्राइसिंग क्या रहेगी आपके पास? ये 15000 की है, ये 15000 की है, हाँ, यानी कि 15000 की है पड़ेगी आपको ये। और ये इसका मॉडल एक और, ये भी NX200 है, ब्लैक कलर में आता है, ये ब्लैक कलर में आता है। मैं आपको इसका फायर भी दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से बहुत इजीली दौड़ जाती है, ये भी इजीली हो जाती है, ये पैलेट डलता है इसमें। कौन से कितने कैलिबर की डलती है? 0.177। ओके भैया, लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो इसका लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है यहीं पे, आगे करेंगे। ओके भैया, साउंड सुनना इसका,
एक नंबर है। और इसका प्राइस आपको 13,000 रुपए मिलेगा। इसका 13,000 रुपए, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये डस्ट इसमें आएगा नहीं, इसमें जो अपग्रेड हो गया ना कलरिंग वगैरह, बस कलर और ये सब, बस थोड़ा सा प्राइस अप हो गया। ओके भैया, और ये दोनों, इन दोनों ये NX100 है, इससे इसका नीचा मॉडल है। ओके भैया, इसकी पावर इससे थोड़ी कम रहेगी, कम रहेगी वो तो रहेगी, प्राइसिंग में दोनों सेम है, सेम ही है। ओके भैया, और इसका क्या सीन है? और ये है VX100 स्पार्टन मार्क 2 लिखा, स्पार्टन मार्क 2 लिखा हुआ है, VX100 स्पार्टन मार्क 2, ठीक है। इसमें एक फीचर मिल जाता है इस कंपनी के मॉडल में कि इसमें आप फॉग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इसमें? फॉग, फायर फॉग, ज्यादा नॉइस होती है, ज्यादा नॉइस होती है। ओके भैया, इंजनों में नहीं लगेगा क्योंकि इनमें फीचर है खाली शूटिंग, खाली शूटिंग पर्पस। ओके भैया, ये भी बहुत इजीली लोड जाती है, ये देखो बहुत आराम से लोड जाती है, सीधा ऊपर और सीधे लॉक आगे करना है आपको, और सीधा फायर। ये देखो सेम, ये भी काफी अच्छी है, इसकी रेंज 8,000 रुपए है। ओके भैया, एक बारी आप ये देख लो, एक बारी भैया ने ना सारी पिस्टल्स लगा दिया, तो भैया सबसे जो लो प्राइस में आपके पास पिस्टल स्टार्ट होती है ना वो दिखा दो मेरे को, सबसे पहले प्राइस में यही आएगी, सबसे लो प्राइस में यही आएगी आपके पास। ओके भैया, इसमें इस तरीके की मैगजीन होती है, इसमें इस तरीके की मैगजीन होगी, इसके अंदर आपको बीबीस डालनी पड़ेगी, बीबीस डालनी पड़ेगी गोल गोल। ओके भैया, ठीक है, इस तरीके से डल जाएंगी वो, और यहाँ से इसका CO2 सिलेंडर डलेगा, CO2 सिलेंडर डलता है इसमें। ओके भैया, इस तरीके का सिलेंडर, इस तरीके का सिलेंडर होता है, इसके यहाँ लगता है, इसके प्रेशर से वर्क करती है, वर्क करती है। ओके भैया, और इसकी क्या प्राइसिंग रहती है आपके पास? ये 40,000, 40,000 इसमें जब आप ऑटोमेटिक, जब इसे चले CO2 लोड आएगा तो ऑटोमेटिक इसे पूरा, अच्छा अपने आप ही करती रहेगी CO2 की हेल्प से, है ना? जी जी। ओके भैया, ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब आ जाते हैं भाई दूसरी गन्स पे, तो अब भैया दूसरी कौन सी दिखा रहे हो मेरे को? अब ये आप देख सकते हैं ग्लॉस 17 है, ग्लॉस 17 जनरेशन 4 लिखा हुआ है, आप देखिए, ये देख लो। और भैया इसका भी सेम वही वर्क है, हाँ, इसमें भी CO2 डलती है, सब में CO2 डलेगा, इसमें क्या, इसमें CO2 दिखेगा नहीं, इसके अंदर मैगजीन से यहाँ से खुल, अच्छा मैगजीन से खुल के इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चले आएगा, इसमें ऑटोमेटिक पुल बैक वगैरह, ऑटोमेटिक पुल बैक वगैरह होगा। और इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी आपके पास? ये 45,000 की, 45,000। ओके भैया, अब दूसरी गन्स पे आ जाते हैं भाई, देखो कितनी सारी लगी हुई है, आप दिखाते हैं, आपकी रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर है। ओके भैया, ठीक है, इसमें इस तरीके थोड़े रियलिस्टिक शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, अच्छा इस तरीके के, ओहो, तो ये तो इसी के अंदर रह जाते होंगे ना, सिर्फ शेल इसके अंदर ही रहेंगे, जो इसमें यहाँ पे पैलेट लगाएंगे वो बाहर, वो बाहर चले जाता है। ओके भैया, फिर ये भी इस तरीके से, और यहाँ पे इसका 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर डल जाता है, इसमें 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर डलता है, सेम ही होगा ये भी? जी जी, सबका सिलेंडर सेम ही होता है, डलेगा वो यहाँ से, इसके हल्की से वो कस जाएगा। ओके भैया, और इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी आपके पास? ये भी 45, 45 इस तरीके से, पूरा वर्किंग मैकेनिज्म पूरा जो है इसका वर्किंग में। ओके भैया, तो अभी आ जाते हैं भाई दूसरी गन्स पे, और ये गोल्डन में है ना भैया? जी, और ये भी सेम ही है जी, ये देखो ये भी सेम ही है, इसका भी इस तरीके से होता है पूरा एकदम, ये भी वैसे ही घूमता है पूरा, है ना? और इसकी क्या प्राइसिंग है आपके पास? 45, और ये वाली गन कौन सी? उसी रेंज, अच्छा उसी रेंज में ही है सारी। ओके भैया, ऊपर नीचे है, और इस गन का नाम क्या है पहले तो भैया बताओ मेरे को? ये है बरेटा 92 FS। ओके भैया, ये लिखे मॉडल बरेटा 92 FS, 0.177 किलो, 4.5 mm। ओके भैया, ठीक है, इसमें यहाँ से ये रिंग्स डलते हैं, अच्छा रिंग्स इसमें डलती है, इसमें मैगजीन वगैरह कुछ नहीं होती, इसमें यहाँ पे रिंग्स लगेंगी, फिर ये पीछे कर देंगे हम इसको इस तरीके, और से फिर ये लोड हो गई, ये वर्क करेगी, वर्क करे, इसमें CO2 वगैरह नहीं डलता, इसका CO2 यहाँ, अच्छा इसमें भी डलता है, ये ओपन यहाँ से होगा फिर डलेगा। ओके भैया जी, और ये भी उसी सेम प्राइस रेंज में जी। ओके भैया, अब ये देखो ये मेरे को थोड़ी अलग स्टाइलिश चाहिए, स्टाइलिश में आ जाते हैं, लॉन्ग बैरल में आ जाता है, ये लॉन्ग बैरल में आ जाता है, स्कॉच फिल्ड का आता है ये। ओके भैया, इसलिए इस तरीके से खुलता है थोड़ा, ये देखो काफी फैंसी उसमें है ना, इसमें भी ऐसे शेल होते हैं, और इसमें कितने कैलिबर है? सब 0.17, अच्छा सब 0.17, यहाँ से इसका बीबी डलेगा बॉल। ओके भैया, वो बॉल बाहर जाता है, वो बॉल बाहर आ जाएगा जी। ओके भैया, फिर ये भी इसी तरीके से चलेगी, इसमें आपको ये ऑटोमेटिक नहीं है जैसे रिवॉल्वर, ऑटोमेटिक नहीं, वैसे इसमें लोड करनी पड़ेगी, मैम आपको पीछे लेना पड़ेगा। ओके भैया जी,